पढ़ रहे थे निधि? पूनम क्या पढ़ रहे थे? अटार अटार की। की सर खत्म हो गया था। एक्सर रोलिंग थ्योरम्स
पढ़ो तो पुनः। यस सर। हिक्सर-ओलिन थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू हिक्सर-ओलिन थ्योरम, वन फैक्टर एंडोमेंट डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इट मींस एरिया अंडर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मस्ट बी डिफरेंट विच शोज फैक्टर एंडोमेंट डिफरेंस बिटवीन टू नेशंस। यदि तुम पढ़ो तो Hexer-Ohlin theorem. First theorem. According to Hexer-Ohlin theorem 1, factor endowment difference is necessary for international trade. It means area under production possibility curve must be different, which shows factor endowment difference between two nations. एक बड़ा होगा एक छोटा होगा।
इसे हम लोग जो पढ़े थे उसमें दोनों साइज बराबर था, यस सर, कोई ट्रेड नहीं हो रहा था। अब इसका साइज बड़ा है 21 का, असल साइज छोटा है। अब गौर से इसमें ध्यान क्या देना है कि एक का इंपोर्ट है दूसरे का एक्सपोर्ट है, दोनों साइज बराबर होगा। उसका एक्सपोर्ट है BF, इसका इंपोर्ट है B-F। इसमें क्या ध्यान देना है कि BC बराबर होना चाहिए B-C-, और BF बराबर होना चाहिए E-F-. ये है आपको कंट्री वन, ये है कंट्री टू। कंट्री वन का इंपोर्ट है कंट्री टू के एक्सपोर्ट के बराबर है। कंट्री वन का BC-EF एक्सपोर्ट है कंट्री टू का, वही हो जाएगा B-F-. इम्पोर्ट बराबर जो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर निकल गए, मतलब छोटा सा देश है और हवाई जहाज उसको मिल गया,
की हालत तो हवाई जहाज बना नहीं सकता। छोटा सा देश है यूक्रेन, उसको हर तरह का औजार मिल रहा है, हर तरह का चीज मिल रहा है। 100 दिन की कितना दिन हो गया, अभी भी युद्ध चल रहा है। युद्ध लड़ते लड़ते जो है दोनों कंट्री बेहाल है। हंस रहा है कौन वहां? यूएसए, पहाड़ वाला देश हंस रहा है। आपको तो और क्या चाहिए, ई वाला दीजिए तो फिर वाला बेचता है, ई वाला दीजिए तो ये सबका नाम तरह तरह का है। इसी को कहा जाता है स्ट्रेटजी, बिना युद्ध में लड़े हुए उसका सामान ही वहां लड़ रहा है। इसको सोचा कि 2 दिन में वार खत्म हो जाए, पता है दिसंबर तक चलेगा, जब तक कि सब औजार खत्म नहीं हो जाएगा। टेस्टिंग हो रहा है, सब औजार का टेस्टिंग हो रहा है। मार्केट में केवल थ्योरेटिकल आप बता रहे हैं कि ये फायदा हो पाता है, यहाँ तो प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। छोटा सा देश है कितना ताकतवर हो गया हुआ है कि बड़े से देश को कब्जा नहीं करने दे रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यही बात है, कितना एक्सपोर्ट करेगा कंट्री वन वही रिसीव करेगा कंट्री टू एज इंपोर्ट, और जितना एक्सपोर्ट करेगा कंट्री टू उतना ही अमाउंट रिसीव करेगा कंट्री वन एज इंपोर्ट। इसलिए एक का इंपोर्ट जो है दूसरे के एक्सपोर्ट के बराबर है, एक का एक्सपोर्ट जो है वो दूसरे के इंपोर्ट के बराबर है। Both nations do international trade. Why? Because area under PPC is different. एक बड़ा देश है, एक छोटा देश है। एक के पास रिसोर्स बहुत ज्यादा है, दूसरे के पास भी रिसोर्स है, ज्यादा नहीं है लेकिन उसके पास भी है। जो चीज ये बना के दे रहा है उसके बदले में वो बना के दे रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हो रहा है, दोनों एरिया समान कर देंगे, देयर विल बी नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट। होता क्या है, फैक्टर इंडोमेंट का मतलब हो गया एरिया अंडर पीपीसी। फैक्टर इंडोमेंट का मतलब क्या हो गया, एरिया अंडर पीपीसी लिख लीजिए। एरिया अंडर पीपीसी इज डिफरेंट, एरिया अंडर पीपीसी इज डिफरेंट। वो बोलते हैं फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस। फैक्टर इंडोमेंट को सीधा समझ तो एरिया अंडर पीपीसी इज डिफरेंट, ओनली देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज पॉसिबल, देन इंटरनेशनल ट्रेड इज पॉसिबल। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरम वन इनका हो गया। थ्योरम वन क्या कह रहा है, एरिया अंडर डिफरेंट PPC is not same. In one country, PPC area is greater. In another country, PPC area is less. Then there may be possibility that a small nation
and produce such a thing which he can export to large nations. And large nation will produce an exchange for that small nation. Then both nations will do export and import. Factor in moment difference. वो ये सबसे नंबर वन कंडीशन मानते हैं. हम लोग रिकार्डो पढ़ते हैं. रिकार्डो में क्या कहता है? कॉस्ट डिफरेंस. कहता है कॉस्ट नहीं, फैक्टर इन डोमेन डिफरेंस. वो डिफरेंस रहेगा तो ऑटोमेटिक कॉस्ट डिफरेंस होगा ही. बेसिक चीज कॉस्ट डिफरेंस नहीं है. बेसिक चीज जो है वो फैक्टर इन डोमेन डिफरेंस. तुम देखोगी वर्ल्ड में 192 कितना कंट्री. हर कंट्री का आदमी का चेहरा मोहरा डिफरेंट. हर कंट्री का आदमी जो है एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है. कहीं पर केवल मछली ही है, वो समुन्द्र में है छोटा सा कंट्री. मछली पकड़ पकड़ के एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बदले में कपड़ा मंगा रहा है, के बदले में कुछ मंगा रहा है. कहता है कॉस्ट पर नहीं जाइए. इकोनॉमिक्स जो है बहुत आसान है, प्रोवाइडेड कि आप समझ लें. बिना समझे हुए किताब खोलिएगा तो नींद आने लगेगी, कुछ समझे में नहीं घुसेगा दिमाग में. राहुजा ये सब तो ऐसा किए हुआ है कि इतना एक ही बात को 10 तरह से कहते कहते थका देता है. किताब को मोटा रखे हुए, मोटा रहेगा तो दाम रहेगा 700-800 नाम. एक ही बात रिपीटेड इन 4 पेजेस, और कोई भी पेज उसका अपना नहीं है, कटिंग है. जैसे जॉन रॉबिन्सन का काट के लिख दिया, चेम्बरलिन का काट के लिख दिया, तब कुछ अपना लिख दिया. अब कंज्यूमर जो है उसका बायर है, को बहुत परेशानी होती है समझ में. इतना पेशेंस भी टीचर में नहीं है कि गोट गोट समझावे हर लड़के के. लड़का भी चुप लगा जाता है कि बार बार बोलेंगे तो कहेगा कि भाया है परीक्षा देने कमीशन का. दरोगा की तरह क्वेश्चन करता रहता था दरोगा वाला, तो बहुत चुप रह जाता है. हम लोग को यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना बार पीछे पढ़ना पड़ा. आधार की क्या है, पीपीसी क्या है, क्या है नहीं. अब तुम्हारे सामने में दिए हैं तो आसानी से समझ रहे कि हाँ भाई इसका एरिया है. एरिया ही इंडोमेंट. हम लोग का ब्रेन इंडोमेंट. ब्रेन सीज हो गया, आदमी मर गया. मोटरसाइकिल से जो गिरता है, ब्रेन में चोट लगा, हेमरेज हो गया, हॉस्पिटल जाते जाते मर जाता है. बहुत कोमल जगह है ब्रेन. उसमें अगर इंजुरी हो गया तो 5 मिनट के अंदर में मर सकता है. वो हेलमेट लगाए तो हेलमेट उसे लेता है कि पुलिस पकड़ ली. हेलमेट नीचे लटका के पीछे रखता है, पुलिस हाथ दी तो रुक के फिर पहुंच गई. अपने जान को जोखिम में डाले हुआ है. किसी दिन लपेटा में आ जाएगा तो चला जाएगा हवा. हेलमेट पहनने से क्या होगा, गिरिएगा तो ब्रेन बच जाएगा, तो हाथ पर टूटेगा तो ठीक हो जाएगा, चोट लग गया तो मुश्किल हो जाएगा. अब बहुत आदमी ब्रेन खोलने से भी डरता है, खोल देंगे फिर सेट होवे नहीं करेगा. इसके कहता है फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंस का मतलब हो गया उसके पास कितना साधन है एरिया के हिसाब से. उसी एरिया में जंगल होगा, उसी एरिया में खान होगा, उसी का फैक्ट्री होगा, उसी एरिया में शहर होगा. अब हैदराबाद में जाओगी अगर, शहर में ठीक शहर के बीच में
बहुत बड़ा समुंदर ऐसा बनाए हुआ, नेचुरल है, हुसैन सागर उसका नाम। तो हैदराबाद सिकंदराबाद तब घूमने से आपको लगेगा कंट्री, बेंगलोर मैसूर ये सब का साइज डेवलपमेंट ये सब से आपको पता चले। वैसे पूर्णिया कटिहार मधुबनी सहरसा बक्सर आरा ये सब भी घूमिएगा तो आपको लगेगा कैसा है डेवलप। तो एरिया जो है, एरिया अंडर पीपीसी को क्या कहते हैं, फैक्टर इन डोमेन, बड़ा है या छोटा है उससे मतलब नहीं है, आप कोई मंगाने लायक है। तो जो एक्सपोर्ट करेगा वही उधर जाके इंपोर्ट हो जाएगा, इधर जो एक्सपोर्ट करेगा वही इंपोर्ट हो जाएगा। फायदा को कैसे पता लगाए, गेंस जो है गेंस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका पहचान है इंपोर्ट आपका पीपीसी को क्रॉस किया हुआ है, पीपीसी को क्रॉस कर गया इसका मतलब हो गया कि छोटा सा देश है नेपाल, अब हवाई जहाज उसके, हवाई जहाज उसके लिए असंभव है बनाना, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके हवाई जहाज खरीद ले सकता है कि नहीं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बाउंड्री अगर आप क्रॉस कर गए, बाउंड्री अगर क्रॉस कर गए तो यही कहलाएगा गेंस फॉर इंटरनेशनल। देखिए छोटा या स्मॉल कंट्री का भी बाउंड्री क्रॉस करे हुआ, स्मॉल कंट्री का भी इंपोर्ट जो है बाउंड्री के बाहर है कि नहीं है, उसका एक हिस्सा बाहर निकल गया हुआ, मैंने ज्यादा आ रहा है बाउंड्री बढ़ गया, इधर से जो एक्सपोर्ट किया है वहां का इंपोर्ट देखिए बाउंड्री के बाहर चला गया, बाउंड्री के बाहर चला जाना। क्रिकेट में क्या होता है, बाउंड्री के बाहर चला गया तो चार होगा कि छ होगा, छह रन मिलता है, छह रन। वही चीज यहाँ देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बाउंड्री के बाहर चला गया लाइन इंपोर्ट का, मतलब हमारे अवकाश से बाहर का चीज हमारे देश आ गया, हवाई जहाज आ गया, टैंक आ गया, अभी यूक्रेन को देखिए एक से एक चीज उसके देश से पहुंचा हुआ है और रूस को तबाह किया हुआ, रूस का जो है पानी में पला जहाज है पोत है वो सब उड़ा देता है, वही बैठे बैठे ड्रोन से पता सब इसको दे रहा है दूसरा विकसित देश। पैसा उसका प्राइस जो है एग्रीमेंट करके दे दिया कि 55 इयर्स के बाद दे, 55 इयर्स के बाद वो रहेगा कि नहीं रहेगा कंट्री। अब ये जो है कंट्री का सब चीज टूट फट गया, वो 10 साल 15 साल लगेगा उसको बनाने में, वो बना पाएगा कि नहीं डाउटफुल है, इतना बड़ा बड़ा मकान जो आदमी वहां से भागा हुआ है लौट के आता है कि नहीं आता है, जान माल का सुरक्षा है। आज हम लोग यही छोड़ेंगे फैक्टर इंडोमेंट वन, फिर टू को दूसरे दिन डिस्कस करें। दैट्स ऑल, थैंक यू सर।
समझी कि नहीं? तुम तुम्हारे लिए बतलाए हम इतना। यस सर। पहले थोड़ा सा भारी लगा होगा, लेकिन जब बात पकड़ ली होगी तो आसान लगा होगा क्या? यस सर, समझ में आ गया। छोटा वाला का भी बाहर निकला हुआ है गेम्स। यस सर। बड़ा वाला को भी गेम्स बाहर निकला, किसी को ज्यादा कम जो गेम्स हो रहा है। यस हो रहा है तो इंटरनेशनल ट्रेड करेगा। इतना कुछ हो गया फिर भी सब पीटी का तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। कब कहेगा लीक हो गया? अरे लीक हो गया तो हो गया, यहाँ तो आकाश में जो गरजता है बादल उससे गिरता है, क्या चीज को बोलते हैं, गिरता है नीचे बिजली, बिजली जो गिरती है उससे 30 आदमी मर गया। दिन 10 दिन पहले जो गिरा था 30 आदमी बिहार में मर गया। बिहार पर आफत, यहाँ का मजदूर जो है कश्मीर में गया वो मर गया, यहाँ का मिलिट्री में गया हुआ है वो भी मर गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मिलिट्री में जा रहा है, कश्मीर जा रहा है। इसलिए कहता है कि जो एरिया हमारा है उससे बाहर इंपोर्ट निकलना चाहिए। यस सर। तो इस सोच गेंस गेंस मिलेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा। गेंस कब मिलेगा? जब फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंट। यस सर। एक बड़ा हो एक छोटा हो, दोनों बराबर होगा, हम लोग देख चुके दोनों बराबर होगा तो अटारकी हो जाए, तो इंटरनेशनल बनाएंगे बेचेंगे, आप अपना बनाएंगे। धीरे धीरे जो है सब बात समझ में आने।